नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धुरिया। देख रहे हो हमारे यूट्यूब पेज, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभी खड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जयपुर में। आप सभी जब देख रहे हो, आज भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सीपी जोशी जी, लोकसभा सदस्य चित्तौड़गढ़, जिनके आज पद ग्रहण समारोह में पधारे हुए तमाम क्षेत्र से, पूरे राजस्थान भर से या भारत भर से पधारे हुए प्रतिनिधिगण, नेतागण या कार्यकर्तागण एवं या उनके जो जनता है, उनके नेता है, तमाम प्रकार के लोग यहाँ आए हैं। उन सभी के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं तमाम प्रकार के कार्यकर्ताओं से अलग अलग प्रकार की मैं जानकारियां जुटाऊंगा, अलग अलग प्रकार के मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। हमारे ऊर्जावान संगठन मजबूत, संगठन अच्छा होता है। नया होने वाला क्या है, आशा क्या करते हो अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, आशा है कि ये पार्टी और संगठन को एक मजबूती प्रदान करेंगे, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश, जिस देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में कितना जोर। अच्छा, नया नया क्या होने वाला है आपके पास? कार्यकर्ता बहुत बड़े हैं, उनको जी भाटे, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था कर रहे हैं, लगातार संख्या कार्यकर्ताओं की बढ़ रही है। उनके टेंट आप लगा रहे हो और चौको हाउस तक टेंट की व्यवस्था कर लो, टेंट वाले भाई साहब के साथ ही राजस्थान के अंदर 100 से ज्यादा बीच में